अच्छा मैं गेम ही हूं ना, लेकिन मैं सोच क्यों रहा हूं। अच्छा आजकल ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही हॉट चल रहा है। क्या हो गया? क्या टॉपिक हॉट चला रहा है? तुम क्या चाहता है? ओ हो रवि जी, आजकल जरा हॉट टॉपिक है अलीगढ़। अलीगढ़ वो जो पिक्चर आ रही है उसकी बात कर रहा है? या अच्छा हाँ, आजकल जो हॉट टॉपिक है आजकल, उसमें गे के ऊपर, होमोसेक्सुअल के ऊपर बात चल रही है। अच्छा तो अलीगढ़ के बारे में बात करें। बिल्कुल, क्यों नहीं। मनोज वाजपेयी, ये तो बात तो करनी बनती है अलीगढ़ के बिल्कुल बारे सही, में। मनोज वाजपेयी इसमें एक्टर हैं एज अ गे, और वो प्रोफेसर हैं इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये तो बात तूने सही कही विभूति, बट बात ये शुरू कैसे हुई? अलीगढ़ पिछले पिछले 1-1.5 साल से काफी चर्चा में रही है। इसका रीजन है, एक तो मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव साथ में आ रहे हैं, वो भी गैंग ऑफ वासेपुर 1 में आए थे। इस बार सिर्फ इन दोनों का हॉट रोल तुम्हें अलीगढ़ में नजर आएगा, एक प्रोफेसर एक जर्नलिस्ट। और इनको ओहो डायरेक्ट कोई नहीं कर रहा है, इनका फेवरेट डायरेक्टर ही कर रहा है हंसल मेहता। ओ, तो हंसल मेहता एक नई फिल्म के साथ, वो भी गे टॉपिक के साथ आ रहे के हैं। टॉपिक के साथ, अच्छा बट ये हंसल टॉपिक मेहता ये है क्या? अच्छा मुझसे पूछ रहा है, ये तो तुझे पता होना चाहिए। ए यार, ये आजकल है ना, मतलब क्या हो रहा है यार, मतलब लड़कियों ने भी हमें ना छोड़ा नहीं किसी काम का। हाँ, बट पता है ये बार बड़ी सीरियस स्टोरी थी। मेरा ऑन अ सीरियस नोट ये मानना है कि जो आपकी इतनी इंडिया की फेमस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए अपने प्रोफेसर्स के लिए काफी जानी जाती है, बिल्कुल तो इसी में जो हमारे महाराष्ट्र जो बेसिकली महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर थे जो कि मराठी पढ़ाते थे उस यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर ओके श्रीनिवास रामचंद्र सिरस जी, इन पे ओहो एक स्टिंग किया गया था। ओके और उस स्टिंग में पता चला था कि ये गे हैं। एक रिक्शा वाले के साथ ये इन्वॉल्व थे। रिक्शे वाले के साथ ये हाँ, इन्वॉल्व थे। तो ओके ये का इसी चक्कर में यूनिवर्सिटी ने फिर इन पे इतना प्रेशर पड़ा इन चीजों का कि इस गे कम्युनिटी, मतलब जो भी आप कह सकते हो, यूनिवर्सिटी वालों ने प्रेशर डाला, स्टूडेंट्स ने प्रेशर डाला, फिर कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है। उसी के प्रेशर के चलते चलते ये सस्पेंड हो गए, और इनको आफ्टर सम टाइम ये एक संदिग्ध सस्पेंशन स्टेज में मृत पाए गए अपने फ्लैट ओके में। इसका तो मतलब वो आज डेड हो चुके हाँ, हैं, वो तो कब और के, वो तभी 1-1.5 साल में ये स्टोरी आपकी खत्म हो तो गई इसका थी, मतलब कि बट अब आज तक उनपे ये उनपे एक बात ये है कि मतलब गे होना एक श्राप प्रॉब्लम, है, एक हाँ श्राप, एक तरीके से अभिशाप हो श्राप गया हो है चुका तो। है। क्योंकि मतलब एक एक इंसान पे क्या मेंटल टॉर्चर और क्या मतलब प्रेशर पड़ता है, एक फैमिली सोसाइटी को लेके, मतलब इन्होंने ना मतलब एक प्रेशर तैयार कर दिया है। तो मतलब हाँ एग्जैक्टली और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी लोगों ने इसका कुछ ज्यादा ही। देखो, हम लोग एक समाज में रहते हैं, हमारे समाज के कुछ दायरे हैं, अकॉर्डिंग टू पीपल अकॉर्डिंग टू थिंग्स, बट द रियलिटी इज व्हाट वी आर डूइंग इन द सोसाइटी ब्लडी। अगर कोई जैसे रहना चाहता है उसको वैसे रहने नहीं दिया जाता, बिल्कुल अगर कोई वैसे नहीं रहता तो प्रॉब्लम, अगर कोई वैसे रहता है तो प्रॉब्लम। मतलब घूम फिर के आपको कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए, तो और अभी और टॉपिक मिल गया बॉलीवुड, इन्हें गे का। यस, और बॉलीवुड को मजा जाते हैं ऐसे टॉपिक मिलते ही, उनको लगता है यार इस पे तो फिल्म बननी चाहिए। वे रहते हैं हमारे समाज के कुछ दायरे हैं, परंतु ये फिल्म देखनी जरूर बनती है। एक कॉलेज की प्रोफेसर की कहानी, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की कहानी, उसके इंटरनल चीजों की कहानी। तो देखते हैं इस हफ्ते अलीगढ़, अलीगढ़ और फिर आपसे शेयर करते हैं इसके रिव्यूज। तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए एंड गेट मूवी इन्फो। .com पर लॉग इन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, बाय। बाय बाय।